नमस्कार साथियों, मैं अमन शुक्ला। सर्द का मौसम है, ठंड की मौसम है और गर्माहट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पास है। यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए UPPCS के अभ्यर्थी आने लगे हैं, तो हमारे साथ आकांक्षा गौतम मैम है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडेंट अकेडमी में। मूल बातें हम आपसे बात करेंगे, व्यक्तिगत सवाल ना पूछें, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि सवाल पूछते वक्त हम विशेष व्यक्तिगत सवाल भी पूछने लगते हैं। मैम, पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तक का सफर जो है, इसकी रणनीति क्या रही, आप रणनीति बताइए ताकि विद्यार्थी उनको उनका अनुसरण करे और उस चीज यहाँ तक पहुँचने का भी प्रयास करें। देखिए, अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग को वो रास्ता पता चलता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है क्वेश्चन, क्योंकि अगर बुक्स पढ़ेंगे हम लोग तो कई सारी बुक्स बताई हुई हैं उनको एग्जॉस्टिव स्टडी करने पे लास्ट मोमेंट तक रिटेन नहीं रह पाता है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे तो उसे काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरे, करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान दें। करंट अफेयर्स में बजट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो बजट जैसे न्यूमेरिकल डाटा है, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो डेटा होता है वही पूछा जाता है। तो ये जरूर तैयार कर लें, करंट अफेयर्स ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि स्टैटिक तो ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर होता है, जो सिलेक्शन होता है वो आई गेस करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पे ही होता है। उसके बाद अगर मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो मेंस का पहले आप फ्री के टाइम से ही तैयारी शुरू करें, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कहेंगे कि डेली आंसर राइटिंग करिए, लेकिन एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिए मेंस का, क्योंकि मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सीमेंटली हेल्प मिलती है। मेंस का सिलेबस देख के धीरे धीरे लिखने की कोशिश करें। नोट्स आप करंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक है, वुमेन से रिलेटेड की वुमेन अगर फ्रीडम फाइटर्स हो, अगर उनके उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर करंट में कोई ऐसी प्रोमिनेंट लेडी है तो उनको अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। और मेंस के लिए सिलेबस जरूर देख लेते हैं। और इंटरव्यू के लिए ऐसा है, मेंस और इंटरव्यू के टाइम के बीच में पता तो होता है नहीं कि मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट में है तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिलेवेंट हैं करंट टाइम में, एक साल के आसपास जो होते हैं। अच्छा मैम, एक बेसिक सवाल जो है वो लेके माध्यम मीडियम की बहुत समस्या होती है बच्चों का, कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, तो इस समस्या को कैसे आप तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रही हैं, तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उनकी बड़ी समस्या रहती है कि अंग्रेजी कारण हम मार्क्स आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेशन बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है। ऐसा है कि जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो कीवर्ड्स होते हैं, आप आंसर में क्योंकि दो ही पेज में लिखना है और क्वेश्चन इतना एग्जॉस्टिव होता है कि आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, कीवर्ड्स जरूर लिखें हिंदी में, बल्कि तो हमको लगता है कि कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, वो अगर आपके आंसर में दिखाई पड़ेंगे और आप करंट से रिलेट करके और अगर हिस्टोरिक कोई पॉइंट है उस आपके आंसर में दिखे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उसको लैंग्वेज का मीडियम हम नहीं बोलेंगे। अगर आपकी आंसर की कॉपी हमें आप ही बताइए, हम आपको कोई आंसर दिखाते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, इंग्लिश वाले ने पोथा भर दिया है, हिंदी वाले ने, अगर प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना कि आपका दो पेज में आप कितना ज़्यादा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से भी आएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एक दिन में ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जब जनरली लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते हैं सारा भर देते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ये आपको अगर मीडियम की कोई दिक्कत आ रही है तो मीडियम के लिए आप प्रैक्टिस करिए आंसर को और देखिए कि आप उसमें क्वेश्चन जो होते हैं और सिलेबस जो होता है, सिलेबस का वो टर्म होता है, वो टर्म आप वापस डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल है, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है इंटरव्यू देने के लिए। ये मेरा पहली बार है। प्री कितनी बार क्वालिफाई है? पहली बार इंटरव्यू में आई है, लेकिन तीसरा अटैम्प्ट है। ये बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हमारे स्टूडेंट अकेडमी की तरफ से आपको। मैम, जैसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, वो बहुत घूम फिर के बच्चों के सामने आ ही जाता है, वो सोशल मीडिया समस्या के रूप में, हालांकि कहा जा रहा है सोशल मीडिया आज हमारे समस्याओं का समाधान कर रहा है, लेकिन समाधान करते करते वो समस्या भी बन जा रहा है विद्यार्थियों के लिए। तो आपका सोशल मीडिया पे क्या गतिविधि रही, क्या आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे सक्रिय थी या नहीं? देखिए, हम बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं थे सोशल मीडिया से। ये स्टूडेंट लाइफ ऐसा होती है कि हम लोग को अगर अकेले रह के तैयारी करनी पड़ती है तो बहुत डिप्रेसिव हो जाता है, ईयर लॉन्ग स्टडी लगती है, पूरा साल पढ़ना होता है, तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना पड़ता है। अब जैसे हम ये बात उनके लिए कर रहे हैं जो छात्र घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया को एक इंटरटेनमेंट का वो बन ही जाता, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आइसोलेट होकर करिए। और सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करें तो उसको मोटिवेशन का साधन बनाइए, क्योंकि हम पर्सनली बता रहे हैं कि दूसरों को देख के अगर आप देख रहे हैं कि बाकी फ्रेंड्स पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कम करते थे हम लोग, क्योंकि पढ़ाई का टाइम इतना सिर्फ पढ़ने नहीं, मतलब वो वैसे भी हम नहीं पोस्ट करते थे, लेकिन देख के अगर आप दूसरों को देखते हैं कि अच्छा ये
अच्छा कर रहा है, वहाँ से मोटिवेशन आती है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है अकेले रहते रहते आप खुद से मोटिवेशन जो होता है वो खत्म होने लगता है, तो सोशल मीडिया एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि उसको ऐसा लत की तरह नहीं करें, जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो जरूर आइसोलेट हो जाए। अच्छा मैम, एक सवाल और है, जो आजकल प्रेरणा के केंद्र बन रहे हैं, मोटिवेशनल बन रहे हैं, और या फिर जो तमाम अधिकारियों के वीडियो देख देख के बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, क्या आप ही वीडियो ऐसी टाइप की वीडियो देखते थे कि नीली बत्ती से उतरते अधिकारी और मोटिवेशन आए कि हाँ आप पढ़ना ही है, इस नीली बत्ती के इस लाल बत्ती के अधिकारी हमें होना ही होना है। देखिए एक बात बताएं, तैयारी शुरू की थी तो मुझे फर्क भी नहीं पता था कि नीली बत्ती लाल बत्ती किस पे किस पे लगती है। ऐसा नहीं कहेंगे, हाँ कुछ छात्रों को इससे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी का जो कंटेंट होता है, और क्योंकि आपको न्यूज पेपर पढ़ना ही होता है, और तैयारी के टाइम पे कई सारे दोस्त अपने जो होते हैं साथ मिलते हैं, वो कई तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, आपको मोटिवेशन वहीं से मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर प्रेस्टीज ही से मोटिवेशन आए, मोटिवेशन जब आप पढ़ेंगे और आप अपने देश की स्थिति जानेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आता रहता है। अच्छा मैम, एक सवाल जो हम लड़कियों से संबंधित पूछेंगे, हालांकि मान रहे हैं कि वर्तमान में मानसिकताएं बहुत बदल रही हैं लोगों की, लड़की और लड़कों में मतभेद की स्तर कम होते जा रहे हैं, फिर भी क्या परिवार आपके पढ़ाई में सपोर्ट किया या कहीं ना कहीं कभी बाधा भी मत आता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार का सपोर्ट हमको पूरा रहा है, ऐसी बात नहीं है, परिवार दोस्त सभी सपोर्ट करते हैं। ऐसा आता है कॉम्प्लिकेशन बहुत सही लड़कियों की लाइफ में ऐसा आता है, लेकिन अब ऐसा मेरा पर्सनल है, अगर आप उसको पर्सनल बात की चलेंगे तो आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन आएगा कि हमको करना है। अगर सोसाइटी रोक भी रही है, परिवार से सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, तो अगर आप अचीव करेंगे, अपने लिए अचीव करेंगे, आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, तो अगर आपके अंदर लगन है तो आप वो सारे बैरियर ओवरकम जरूर कर लेंगे। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, अभी करेंटली हम याद नहीं कर पा रहे हैं, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएँ अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, आप हर साल देख सकते हैं कि कोई ना कोई हमारी महिला कैंडिडेट जरूर ऐसी होती है जिनको बहुत सारी का सामना करना पड़ता है, पर जरूरी नहीं है कि वो बैरियर एकदम ही रोक दे। आपका मोटिवेशन अगर तेज है, अगर आपका इंटेंस तैयारी कर रहे हैं, जरूर निकल जाएगा। अच्छा मैम, क्या डेस्क कोड से संबंधित इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछे गए? सॉरी, किससे? ये आपके ड्रेस कोड से संबंधित, आपके वस्त्रों के चयन से। अच्छा। जैसे कि अधिकांशतः देखा जाता है कि 100 में 100% जो अभ्यर्थी अंदर जाते हैं वो साड़ी का ही चुनाव करती हैं, खासकर महिला, और पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं वो कोट पैंट एकदम प्रोफेशनल, तो क्या इससे संबंधित कुछ सवाल पूछा गया? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछा गया, और ऐसा नहीं है, सूट पहन के भी लड़कियां गई हैं अंदर, और साड़ी इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि साड़ी रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, रिप्रेजेंट करती है भारतीय समाज की महिलाओं को, तो आप वहाँ पे क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हैं और वहाँ जनता के लिए ही काम करेंगे, तो बेटर यही है कि आप इस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करें कि जल्दी एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा मैम, ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, क्या कहते हैं, एक नॉर्मल टाइप का ऐसी मानसिकता तो नहीं दर्ज करते कि साड़ी में आई है तो पुरानी मानसिकता की ही महिला हो सकती नहीं, है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साड़ी तो ऐसा है कि हम लोग का एंशियंट से लेके मॉडर्न तक ट्रेंड रही है, ट्रेंड रही है, मुझे लगा इससे संबंधित कोई ऐसा सवाल नहीं उठा गया। और मैम, जैसे वर्तमान में आप देखिए तो ड्राइवरों से संबंधित कुछ नियम आए, वाहन से संबंधित उसके साथ कुछ कानून में परिवर्तन भी आए, क्या ये तत्कालिक मुद्दे रहे हैं? जी जी, देखिए करंट से रिलेट करके ही पूछ रहे हैं वो, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी पूछ रहे हैं तो उसका करंट में क्या रिलीवेंस है ये भी पूछ रहे हैं, तो करंट को आप लोगों को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि करंट के लिए कोई स्पेशल चीज़ करनी होती है, हम लोग पढ़ते हैं तो डेली अगर चीज़ें हैं स्टडी वाले उसमें तो हम लोग को पता रहता ही है, थोड़ा बहुत तो व्यू डेवलप हो ही जाता है, तो ऐसा ये नहीं कहेंगे हम बाकी सारे स्टूडेंट्स को कि स्पेशली कोई लिंक फॉलो करो और स्पेशली इस पे ध्यान दो, ये है कि अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखिए जरूर, एज ए सिर्फ प्रिपरेशन के स्टूडेंट के तौर पे नहीं, आम नागरिक के तौर पे भी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, इसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, वो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये जितने बच्चे अब सिविल सर्विस की ओर आए तो एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी सरकार भी इसमें बहुत सख्ती दिखाई, शिक्षकों के विज्ञापन के जाल में फंसने वाले, तो ये क्या आपसे मैं व्यक्तिगत कोचिंग का नाम आप नहीं लेना है आपको, क्या आपने कोचिंग का सहारा लिया है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोचिंग किए हुए हैं क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो वहाँ से सीधे इसके बैकग्राउंड में आने के लिए थोड़ा हमको सपोर्ट मैंने ऐसा कंसीडर किया, बाकी सेल्फ स्टडी भी सफिशियंट ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ कोचिंग से थोड़ी हेल्प तो मिल जाती है, जो चीज़ आप खुद से सर्च कर करके पता करोगे उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा कहीं से गाइडेंस ले लीजिए, तो टाइम कम लगता है, और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कोचिंग बिल्कुल कंपलसरी ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, और यूट्यूब पर तो आजकल हर चीज़ इतनी अवेलेबल है और सस्ते में भी कोर्सेज मिल रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत जो है बड़ी कोचिंग में जाके कोचिंग करिए तभी निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका ये जो अटेम्प्ट है ये आपको अधिकारी तक
अधिकारी कुर्सी तक पहुंचा दे। हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक आखिरी शब्द जो शुभकामनाएं देना चाहती हैं, जो बच्चे आपको अपना प्रेरणा स्रोत माने और यहाँ तक आने की कोशिश करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी? देखिए, अगर ईमानदार प्रयास करें, मेरे पिताजी कहते हैं कि आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो नियति पे छोड़ दीजिए। आप सब कुछ नहीं कर सकते कंट्रोल, कहीं भी पहुंचने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपने पूरी कोशिश की है। आपको अगर खुद से लग रहा है, खुद में भरोसा है कि आपने अपना 100% दिया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खुद में ही सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं हमारे में ही कोई दिक्कत रह गई है, फिर तो आप उस पर वर्क करिए।